सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। भाई आजकल कॉलिंग स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर है और स्पेशली बजट कॉलिंग, और इसीलिए सभी कंपनी एक के बाद बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच लॉन्च कर रहा है। तो ऐसा एक नया प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है जो कि है बोट कंपनी की तरफ से, बोट वेब इलेक्ट्रा। फर्स्ट सेल पे ये सिर्फ 1799 रुपीज में अवेलेबल था, बट करंटली इसका जो प्राइस है वो 2499 रुपीज हो गया है। बट डेफिनेटली जब भी कोई सेल आएगा तो ये आपको 2000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। एंड उसके हिसाब से इसका क्वालिटी कैसा है, क्या आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। तो अगर आप एक बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे, आपको और कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। और अगर आप इसका अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो उसका एक शॉर्ट वीडियो हमने चैनल पर पोस्ट करके रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल बॉक्स को रखते हैं साइड में, बात करते हैं हमारे इस बोट वेब इलेक्ट्रा के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करूं उसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहां पर वॉच का जो फ्रेम है वो आपको एल्युमिनियम का देखने को मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द स्मार्ट वॉच अगर आप देखेंगे इस प्राइस रेंज में तो वहां पर आपको प्लास्टिक का बॉडी मिलता है, बट यहां पर एल्युमिनियम का यूज किया गया। एंड इसकी वजह से जो वॉच का वेट है वो भी काफी कम है, बट बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छा मिल जाता है। ये जो वॉच है वो सिर्फ 40 ग्राम का आता है, तो जब भी आप लॉन्ग टाइम तक पहन के रहेंगे तो आपको कोई भी इश्यूज नहीं होगा। एंड पीछे का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर प्लास्टिक का मिल जाता है, यहाँ पर आपको सारा सेंसर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर का पोर्ट मिल जाता है, इस साइड में आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको माइक देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा एक छेद दिया गया अगर वॉच के अंदर पानी वगैरह घुस जाता है तो उसको ड्रेनेज होने के लिए। एंड यहाँ पर आपको साइड में एक सिंगल बटन देखने को मिल जाता है, बटन का टैक्टाइल फीडबैक वैसे काफी अच्छा है, बट अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा ये हिलता भी है। एंड यहाँ पर एक 22mm के स्ट्रैप को यूज किया गया, रिमूवेबल स्ट्रैप है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इजीली चेंज कर सकते हैं। जो बकल यहाँ पर यूज किया गया वो आपको मेटालिक देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। बट हाँ, जो स्ट्रैप का क्वालिटी वो अगर थोड़ा सा और सॉफ्ट होता तो और भी बेटर यहाँ पर हो सकता था। एंड यहाँ पर आपको IP68 का रेटिंग मिल जाता है, अगर आप इसको पानी के अंदर डुबा के भी छोड़ देते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने इस तरह से टेस्ट किया है। एंड यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला। तो प्राइस के हिसाब से जो बिल्ड क्वालिटी वो आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है, इससे ज्यादा इस प्राइस में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली काफी अच्छा काम यहाँ पर बोट ने किया है। अगर बात करूं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 1.81 इंच का एक काफी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड डिस्प्ले का जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है, जब भी आप कोई भी वॉच फेसेस यहाँ पर सेट करते हैं तो वो दिखने में काफी अच्छा लगता है। जो ब्लैक कलर है वो आपको काफी डीप ब्लैक देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर आप कोई भी कस्टम फोटोज वगैरह सेट करते हैं तो उसका क्वालिटी भी काफी अच्छा लगता है। हाँ, हल्का सा स्ट्रेच हो जाता है, उसके वजह से फोटो थोड़ा चौड़ा लग सकता है, बट हाँ क्वालिटी आपको काफी अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। एंड यहाँ पर एक 2.5D कर्व डिस्प्ले का यूज किया गया, तो जब भी आप एजेस से कुछ भी स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा फीडबैक मिलता है। एंड साथ ही जो टच रिस्पॉन्स है डिस्प्ले का वो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड साथ ही पूरा यूआई में आपको कलरफुल चीजें देखने को मिलता है, एंड यूआई जो है वो आपको काफी लैग फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एंड साथ ही अगर आप आउटडोर में जाकर यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 550 निट्स ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है, तो आउटडोर में भी ये काफी अच्छे से विजिबल होता है। अगर आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है या फिर कोई भी मैसेजेस आ रहा है तो आप काफी इजीली उसको रीड कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डेफिनेटली डिस्प्ले का जो क्वालिटी है वो मुझे प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा लगा। अगर आपको ये 2000 रुपए के अंदर मिल जाता है तो उसके हिसाब से डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर बात करूँ इस वॉच के फंक्शन के बारे में, तो अगर ऊपर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ क्विक सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आप वॉच को स्विच ऑफ कर सकते हैं, साथ में गेम हो या फिर स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह हो या फिर कॉलिंग में जाना चाहते हैं तो वो सारा चीजें आप कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट को ऑन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको रीबूट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। देन आपको यहाँ पर जो DND वगैरह है या फिर ब्राइटनेस सेटिंग्स में जाना हो, टॉर्च लाइट को ऑन करना हो, साथ ही आप स्क्रीन को यहाँ से लॉक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जहां पर अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ भी करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, साइड का जो बटन है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आपका स्क्रीन जो है वो अनलॉक होता है। एंड अगर आप नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, आप जो भी मैसेजेस वगैरह है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। एंड अगर आप इस साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा एक्टिविटी वगैरह का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, नीचे में आप स्वाइप करके देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके बाद आपको स्लीप का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वेदर भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड म्यूजिक को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप और भी विजेट को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड अगर आप इस साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको मेनू देखने को मिल जाएगा। एंड मेनू स्टाइल में आपको दो तरह का अलग अलग आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप इस तरह से स्विच कर सकते हैं अगर आपको अलग तरह का मेनू देखना होता है। एंड अगर आप साइड के बटन को भी दो बार प्रेस करेंगे तो आप मेनू स्टाइल को चेंज यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 100+ आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पर वॉच फेस का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको
इनबिल्ट 20 वॉच फेसेस देखने को मिलता है। आप इस तरह से स्वाइप करके जो भी आपका वॉच फेसेस है इस तरह से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। मैं पहली बार ऐसा कोई वॉच देख रहा हूँ जहाँ पर 20 मुझे यहाँ पर वॉच फेसेस देखने को मिला है। सो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शटर का ऑप्शन मिलता है, फाइंड फोन, SPO2, काउंटडाउन, फोन ब्रीद, अलार्म क्लॉक को आप सेट करना चाहते हो तो सेट कर सकते। इसके अलावा आपको यहाँ पर कैलेंडर का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं डेट वगैरह क्या है। एंड साथ में आपको यहाँ पर कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसके ऐड वगैरह को देखेंगे तो कहीं पर भी कैलकुलेटर का डिटेल्स मेंशन नहीं था, बट यहाँ पर कैलकुलेटर भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट में आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आपको ब्राइटनेस हो या फिर स्क्रीन ऑफ टाइमिंग हो, QR कोड हो, रिबूट या फिर रीसेट, जो नॉर्मली बेसिक फीचर्स रहता है वो सारा ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप साइड का जो बटन है इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो इस तरह से डिस्प्ले को आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। एक चीज मैंने नोटिस किया है कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं जब भी मैं कोई वॉच का रिव्यू करता हूं कि भाई वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट है कि नहीं, गेम्स खेल पाएंगे या नहीं, या फिर कैलकुलेटर का सपोर्ट है कि नहीं। तो मैंने नोटिस किया कि ये तीनों जो चीजें हैं ना वो बहुत सारे लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात बन जाता है। एंड ये तीनों का ही सपोर्ट आपको इस वॉच के अंदर देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छी बात है। अगर आप यहां पर वॉइस असिस्टेंट को यूज करना चाहते हैं तो व्हाट्स द टाइम नाउ, इट्स 11:13 AM। सो आप सुन सकते हैं, कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल सकता है। जो भी आपका डिफॉल्ट वॉइस असिस्टेंट है, जैसे कि मेरा सैमसंग का फोन है तो मेरा बिक्स भी ऑन रहता है, तो वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। सो जो भी आपका डिफॉल्ट वॉइस असिस्टेंट है उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से भाई बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच पे ये सारा फीचर्स देना, वो भी 1799 रुपीज प्राइस में, काफी अच्छी बात है। दोस्तों अभी आप ये जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्डर इस बोट हुए भी लगता है इस माइक से, एंड जो कॉल है वो रिसीवर एंड में रिकॉर्ड कर रहे, तो एक्चुअली आपको पता चल जाएगा कि माइक का क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलता है। एंड जब भी आप इस वॉच के थ्रू बात करेंगे तो कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एंड अगर आप हाथ को थोड़ा सा दूर लेके भी जाते हैं तो कितना आवाज को ये कैप्चर कर पाता है वो भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। एंड नॉर्मली स्मार्ट वॉच हम इसी तरह से बात करते हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो जब भी आप कॉलिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। आप साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर अगर आप कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको इसके वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड साउंड का जो लाउडनेस है वो भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक सा मिल जाता है, आप इजीली यहाँ पर सुन सकते हैं। अगर आप बहुत बिजी एरिया में रहेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट नॉर्मल कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आता है तो कॉल को रिसीव करने के अलावा कॉल को कट कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर क्विक रिप्लाई का फीचर्स भी मिल जाता है। अगर आप क्विक रिप्लाई में जाएंगे तो यहाँ से आप जो भी सिलेक्टेड मैसेज है इसमें से मैसेज करके आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कॉल को रिसीव करने के बाद यहाँ पर आपको कॉल को एंड करने का एंड साउंड को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है। कोई भी स्विच वगैरह करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप फ़ोन को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको ब्लूटूथ को ऑन या फिर ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो फ़ोन से आपको रिसीव करके बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप वॉच से डायरेक्टली स्विच करना चाहते हैं उस कंडीशन। 2000 रुपए के अंदर आपको काफी सारा स्मार्ट वॉच भी मिल जाएगा जहां पर आपको कॉलिंग का फीचर्स ही देखने को नहीं मिलता है, तो यहां पर आपको कॉलिंग के फीचर्स भी मिल जाता है। साथ ही अगर आप बजट के हिसाब से देखेंगे तो कॉल क्वालिटी भी आपको यहां पर काफी अच्छा मिल जाता है। अगर आप इस तरह से हाथ को रख के बात करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप इजिली बात कर सकते हैं। नॉर्मली स्मार्ट वॉच हम इसी तरह से बात करते हैं, इस तरह से बात नहीं करते। साथ ही यहां पर आपको क्विक रिप्लाई का फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारे स्मार्ट वॉच मिस कर दिया जाता है, तो उसका सपोर्ट भी आपको यहां पर मिल जाता है। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच आप 50 कॉन्टेक्ट को सेव करके रख सकते हैं, जो कि डेफिनेटली काफी इंसेन बात बन जाता है। मैंने बहुत सारे स्मार्ट वॉच को देखा है जो कि 4-5 हज़ार रुपए का आता है, बट वहां पर आप मैक्सिमम 10 कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करके रख पाते हैं, बट इसमें आपको 50 का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली एक भयंकर वाला बात बन जाता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि जब भी आपको किसी को कॉल करना होगा फोन को निकालने का जरूरत है, आप डायरेक्टली यहीं से कॉल कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द जो भी नंबर पे आप नॉर्मली कॉल करते हैं सबको आप यहां पर सेव करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो डेफिनेटली ओवरऑल जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है प्राइस के हिसाब से वो भाई बहुत ही तगड़ा आपको यहां पर मिल जाता है। अगर बात करें इसके ऐप के बारे में तो यहां पर आपको बोट वेरेबल करके एक ऐप आता है जो कि आपको इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपको होम स्क्रीन के अंदर आपका जो हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो स्टेप्स आपने लिए, जो कैलोरी आपका बर्न हुआ है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप यहां पर देख सकते हैं। देन आपको यहां पर एनालिसिस का ऑप्शन मिल जाता है, आपने कौन सा दिन पे क्या स्टेप्स वगैरह लिए वो आप एनालिसिस यहां पर कर सकते हैं। एंड देन आपको यहां पर माय एक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आपने कोई स्पोर्ट्स मोड अगर यूज किया तो उसका डेटा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। देन आपको यहां पर वॉच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, कितना परसेंटेज बैटरी बचा हुआ है या फिर जो वॉच फेस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहां पर डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। एंड यहां पर क्लाउड वॉच फेस के अंदर आपको काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आप जो भी सेट करना चाहते हैं तो यहां
पर आप सेट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन आपको यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट सिंक करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कॉन्टैक्ट को सिंक कर लेते हैं तो उन कॉन्टैक्ट में से आप 50 कॉन्टैक्ट तक आप यहाँ पर एज ए फेवरेट कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके रख सकते हैं, जिसको डायरेक्टली आप अपने वॉच से एक्सेस कर पाएंगे। देन आपको यहाँ पर ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जो भी ऐप आपके मोबाइल पर इंस्टॉल है उसके हिसाब से आप यहाँ पर नोटिफिकेशन ले सकते हैं। अगर सभी आपका नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अदर्स को भी ऑन कर लेना होगा। देन ऐप के अंदर से जाके आप अलार्म को सेट कर सकते हैं, फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, कैमरा का ऑप्शन मिलता है, अलर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप हाइड्रेशन या फिर सेडेंटरी अलर्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वर्क गेस्ट चैट या फिर 24 आवर्स ये सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको इसके ऐप के अंदर देखें। अगर बात करें इस बोट वेव इलेक्ट्रा के बैटरी बैकअप के बारे में, तो अगर आप कॉलिंग के साथ कनेक्ट करके यूज करते हैं, अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो मेरे हिसाब से आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप यहाँ पर मिल जाएगा, जितना मैंने यूज किया उसके हिसाब से बता रहा हूं। एंड अगर आप कॉलिंग के बगैर यूज करते हैं तो 4-5 दिन का बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ठीक ठाक बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको 0 to 100% चार्ज करते हैं तो करीब 2 घंटे का टाइम यहाँ पर लगता है इसको फुल चार्ज होने में। अगर बात करें इसके सेंसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको HR सेंसर के अलावा SPO2 सेंसर हो गया, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारा सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड अगर HR सेंसर या फिर SPO2 सेंसर की एक्यूरेसी को देखेंगे तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। बट हाँ, अगर आप मेडिकल पर्पस में यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वॉच को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप मेडिकल प्रोडक्ट का यूज कीजिए, वो आपके लिए डेफिनेटली बेटर होगा। एंड एक आइडिया के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। एंड साथ ही यहाँ पर आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स का डेटा आप यहाँ पर ट्रैक करना चाहते हैं तो वो आप इजिली कर सकते हैं। एंड अगर बात करूँ स्टेप्स एक्यूरेसी के बारे में, तो भाई ये एक बजट स्मार्ट वॉच है, एंड यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई 100% आपको एक्यूरेसी मिलेगा। तो 95% एक्यूरेट में इसको कहूंगा, क्योंकि मैं जब 100 स्टेप्स लेके मेजर कर रहा था तो कभी कभी 97-98 शो कर रहा था, कभी कभी 100 भी शो कर रहा था, एंड कभी कभी 102-105 भी शो कर रहा था। सो ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेट हम इसको कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो रेस्ट वाइज फीचर्स है वो भी काफी अच्छे से काम करता है। जब भी आप हाथ को उल्टा साइड में रोटेट करते हैं तो डिस्प्ले आपका ऑफ हो जाता है, एंड जैसे हाथ को इस तरह से रोटेट करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले ऑन हो जाता है। यहाँ पर कोई डिले मैंने नोटिस नहीं किया, जैसे हम हाथ को इस तरह से ट्विस्ट करके ऊपर लेके आ रहे थे तो यहाँ पर डिस्प्ले इजिली ऑन हो जा रहा था। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है। एंड अगर आपका रूम में फोन रखा हुआ, आप बाहर जाके स्मार्ट वॉच के साथ यूज करें तो आपका फोन के साथ ये इजिली कनेक्टेड रहता है, मैंने इसमें कोई प्रॉब्लम नोटिस नहीं किया। हाँ, अगर आप कॉल में बात करते हो तो थोड़ा सा नजदीक मेंटेन कीजिएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा आवाज कट कट के मिल सकता है। सो बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच के हिसाब से कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है। सो दोस्तों, अगर फाइनली बात करो बोट वेव इलेक्ट्रा आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, तो नॉर्मली मैंने बहुत सारे स्मार्ट वॉच का रिव्यू किया जो कि 2000 रुपए के अंदर आता है, एंड मैंने नोटिस किया कि फीचर्स में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। किसी में आपको कैलकुलेटर का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो किसी में आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड किसी में आपको मेटालिक बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलता है, या फिर किसी में आपको IP68 का रेटिंग नहीं मिलता है, IP67 देके चला जाता है। बट ये जो स्मार्ट वॉच है ना, वो मुझे कंप्लीट सा स्मार्ट वॉच लगा, जहां पर आपको कॉलिंग का क्वालिटी भी काफी अच्छा मिल जाता है, साथ ही क्विक रिप्लाई के साथ साथ आप 50 कॉन्टैक्ट सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले का क्वालिटी भी काफी अच्छा, आउटडोर में यूज करेंगे तो आपको ब्राइटनेस भी काफी अच्छा मिल जाता है। एंड साथ ही अगर आप वॉच के बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको IP68 का रेटिंग भी मिल जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन करने का जरूरत नहीं होगा, अगर आप बारिश वगैरह में भीग जाते हैं, आपको बुखार हो सकता है, बट इस वॉच को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर जो फॉन्ट का यूज किया गया नोटिफिकेशन रीड करते वक्त, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, साथ ही आप पूरा नोटिफिकेशन को रीड नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रैप यूज किया गया, वो अगर थोड़ा सा और सॉफ्ट होता तो बेटर हो सकता था, बट हाँ, जिस प्राइस में आपको ये मिल रहा है उसके हिसाब से हम इतना कंप्लेन भी नहीं कर सकते। सो मेरे हिसाब से डेफिनेटली अगर आपको ये 2000 रुपए के अंदर मिल जाता है तो आप बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हैं, आपको कोई भी रिग्रेट फील नहीं होगा। एंड अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो ये 3-4 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, सभी कलर का बेस्ट बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि अभी ये किस प्राइस पर अवेलेबल है। एंड लिंक अगर आप यूज करेंगे तो हमें थोड़ा सा इंसेंटिव मिल जाता है, जिससे हम आपके लिए इस तरह के और भी प्रोडक्ट परचेस कर करके रिव्यू कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक का यूज जरूर कर लीजिएगा अगर आप इसको परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड बोट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी आप इसको परचेस कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। 41 के सब्सक्राइबर हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड 50 के फैमिली हमें बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, एंड उसके लिए आप सबका सपोर्ट भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। एंड साथ ही अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली जरूर करूंगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।